हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम यथार्थवाद, जिसे अंग्रेजी में रियलिज्म कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। यदि परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन बिंदुओं के आधार पर अपना उत्तर लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद आप लिखेंगे यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि। वह कौन सी पृष्ठभूमि थी जिसमें यथार्थवादी विचारधारा ने जन्म लिया, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? यथार्थ और यथार्थवाद, रियलिटी और रिलीजन में क्या फर्क है और क्या संबंध है? यथार्थ क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है? यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां, किस प्रकार के साहित्य को हम यथार्थवादी साहित्य कहेंगे और यथार्थवादी साहित्य की क्या क्या विशेषताएं होंगी? और इसके बाद उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज का जो वीडियो है, इसका पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहां से आप पीडीएफ इस लेक्चर का डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है प्रस्तावना। हिंदी में यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म के अनुवाद के रूप में प्रयुक्त होता है। मतलब हिंदी में यथार्थवाद, अंग्रेजी का जो रियलिज्म है उसे हिंदी में यथार्थवाद कहा जाता है। यथार्थ का अर्थ है यथा प्लस अर्थ, यथा धन अर्थ, मतलब यानी जैसा है वैसा अर्थ, मतलब जैसा है वैसा ही, एज इट इज। किंतु इसका पारिभाषिक अर्थ समझने के लिए इतिहास और दर्शन के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। यह एक पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ समझने के लिए हमें दर्शन और इतिहास के क्षेत्र में जाना पड़ेगा, दो जो कि अलग विषय हैं। यथार्थवाद मूलतः दर्शन के क्षेत्र का शब्द है, जहां से साहित्य व कला के क्षेत्र में ले लिया गया है। तो यह दर्शन का शब्द है, जो दार्शनिक विचारधारा होती है उसमें यथार्थवाद शब्द आता है। यथार्थवाद दर्शन शास्त्र के जो क्षेत्र है उसका शब्द है, वहां से वह साहित्य में आ गया और कला के क्षेत्र में ले लिया गया है। इस शब्द को दर्शन शास्त्र के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करने वाले प्रथम दार्शनिक प्लेटो थे। मतलब सबसे पहले यथार्थवाद के संबंध में विचार किसने किया? प्लेटो ने किया, और इसे उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद एक आंदोलन के रूप में 19वीं सदी में फ्रांस में उभरा। लेकिन कला और साहित्य के क्षेत्र में यह फ्रांस में यह उभरा 19वीं सदी में। 1826 में मरक्यू फ्रांसे ने यथार्थवाद की परिभाषा अपने निबंध में की। एक बहुत बड़े विद्वान हुए फ्रांस में जिनका नाम था मरक्यू, तो उन्होंने 1826 में एक निबंध लिखा और उसमें यथार्थवाद की परिभाषा दी। उसके बाद 1855 में फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार कुर्वे, फ्रांस में बहुत बड़े चित्रकार हुए थे कुर्वे, उन्होंने 1855 में अपने चित्रों में यथा तथ्य शैली का व्यवहार किया तथा अपनी चित्र प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर यथार्थवाद शब्द अंकित किया। 1855 में जो फ्रांस के बहुत बड़े चित्रकार हुए थे कुर्वे, उन्होंने एक वो चित्रों की प्रदर्शनी लगाई, और प्रदर्शनी का जो गेट था, प्रवेश द्वार था, वहां पर उन्होंने यथार्थवाद शब्द अंकित किया। चित्रकला में यथार्थवाद के अभ्युदय के बाद 1857 में फ्रांसीसी उपन्यासकार फ्लॉबेयर का प्रथम यथार्थवादी उपन्यास मादाम बोवारी प्रकाशित हुआ। इस प्रकार 1855 तक फ्रांसीसी कला और साहित्य जगत में यथार्थवाद का प्रवेश हो चुका था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आपको परीक्षा में जरूर लिखना है, यथार्थवाद का जब आप उत्तर लिखेंगे। मादाम बावेरी का जो उपन्यास है, जो 1857 में प्रकाशित हुआ था, यह सब फ्रांसीसी राइटर हैं। यथार्थवाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। साहित्य और कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में और साहित्य में यथार्थवाद का जन्म हुआ था फ्रांस में। 1857 में फ्रांसीसी उपन्यासकार जो फ्लॉबेयर नाम का जो उपन्यास था, फ्लॉबेयर नाम के जो राइटर थे, उनका प्रथम यथार्थवादी उपन्यास मादाम बुआरी प्रकाशित हुआ। यह पहला यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है दुनिया का। इस प्रकार 1855 तक फ्रांसीसी कला और साहित्य जगत में यथार्थवाद का प्रवेश हो चुका था। आपके उत्तर में यह सब लिखना जरूरी है। यथार्थवादी आंदोलन सर्वप्रथम फ्रांस में आरंभ हुआ और सन 1850 से 1865 के बीच अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंच गया। जब 1857 में पहली बार फ्लॉबेयर का उपन्यास मादाम बोवारी निकला,
तो उसे यथार्थवाद की और आगे चलकर उतनी ही प्रकृतिवाद की विजय माना गया। प्रकृतिवाद एक अलगवाद है जो जो प्राकृतिक जो चीजें जैसी दिखाई देती हैं यह भी लगभग यथार्थवाद जैसा ही होता है विजय माना गया। एक और यथार्थवादी उपन्यास गोनकुर बंधुओं का यर्मिनी लांसार्ता 1865 था। यह सब फ्रांसीसी नाम है जिसको आपको याद रखना है। प्रकृतिवाद एक अलग ही विषय है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ पर उसका नाम आया है। तो एक और यथार्थवादी उपन्यास कौन सा था? गोनकुर बंधुओं का यर्मिनी लांसार्ता 1865 था। यर्मिनी लांसार्ता 1865 था, इसे याद करना है आपको। अब यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि क्या है, किस पृष्ठभूमि में इस विचारधारा ने जन्म लिया, यह देखते हैं। यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय, अभ्युदय मतलब शुरुआत की पृष्ठभूमि में दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि कई प्रकार के कारण रहे हैं। किसी एक कारण से यथार्थवादी विचारधारा ने जन्म नहीं लिया, बल्कि उसके पीछे कई दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक कई कारण थे। विज्ञान ने मानव समाज की पुरातन रूढ़ियों को तोड़कर मनुष्य का दृष्टिकोण तथ्यवादी बनाया। 19वीं सदी में विज्ञान ने क्या है, मनुष्य का जो दृष्टिकोण है उसे तर्कवादी बना दिया, तथ्यवादी बना दिया, मतलब तार्किक चीजों पर यकीन करना, काल्पनिक बातों पर यकीन नहीं करना, तथ्यवादी बनाया, तथ्यों पर विचार करना और तथ्यों की गुणवत्ता का परीक्षण करना कि यह सही है कि नहीं तार्किक दृष्टिकोण से। डार्विन के विकासवादी सिद्धांत ने मनुष्य जीवन का विकास अन्य जीव जंतुओं की भांति मानकर मानव जीवन संबंधी धार्मिक मान्यताओं को झकझोर डाला। परिणामतः 19वीं सदी के मनुष्य का दृष्टिकोण आदर्शवादी आवरण को भेदकर जीवन के स्थूल तथ्यों की ओर उन्मुख हुआ। डार्विन का जो विकासवाद था उसने यह बताया कि मनुष्य का विकास भी अन्य जीव जंतुओं की तरह हुआ है। तो इस प्रकार जैसे भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, ये जो सारी धार्मिक बातें थी, मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारी काल्पनिक बातें थी उस समय, तो इसको डार्विन के विकासवाद ने झकझोर डाला है ना। और मनुष्य का जो दृष्टिकोण था वह आदर्शवादी के बजाय आदर्शवादी वह यथार्थवादी हो गया, जो तथ्यों और तर्कों पर विश्वास करता था। इसके साथ ही फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत ने लोगों का ध्यान जैविक आवश्यकताओं की जरूरतों और तज्जन्य कुंठा, अतृप्ति, क्षोभ आदि से संबंधित मानव जीवन की वास्तविकताओं की ओर आकर्षित किया। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स की चिंताधारा ने पद दलितों, शोषितों के जीवन संघर्ष की ओर साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट किया। इस प्रकार यथार्थवादी विचारधारा के जन्म लेने के तीन प्रमुख कारण थे। पहला था डार्विन का विकासवाद, दूसरा था जो फ्रायड है उनका मनोविश्लेषण सिद्धांत, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का जन्म भी उसी समय हुआ था, जो हमें यह बताता था कि मनुष्य की जो जैविक आवश्यकताएं हैं, है ना, जैविक आवश्यकताएं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतें के कारण ही मनुष्य के मन में कुंठा का भाव पैदा होता है, अतृप्ति का भाव पैदा होता है, क्षोभ आदि का भाव पैदा होता है। मतलब जिन जरूरतों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह पूरा नहीं कर पाता है तो उसके मन में क्षोभ, कुंठा, अतृप्ति इत्यादि दुर्गुण जन्म लेते हैं। और इसी प्रकार कार्ल मार्क्स की चिंताधारा ने पूरे समाज को दो भागों में बांट दिया, शोषक और शोषित। तो जो शोषितों का जीवन संघर्ष है उसका वर्णन यथार्थवादी साहित्य में होने लगा। तो ये तीन बातों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है और यही यथार्थवादी विचारधारा के अभ्युदय की पृष्ठभूमि कहे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 19वीं सदी का यूरोपीय मस्तिष्क विचारधाराओं के विभिन्न झंझावातों से इस प्रकार झंझोर दिया गया था कि उसके समाज और धर्म संबंधी प्राचीन आदर्शवादी रोमानी सपने बिखर गए थे। डार्विन के विकासवाद ने, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद ने और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष जो इतिहास है वर्गों के संघर्ष का, इसने लोगों की विचारधारा को बहुत ज्यादा बदल दिया, परिवर्तित कर दिया। और पहले की जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी, जो आदर्शवादी रोमांटिक विचारधारा था, वे सारे सपने टूट कर चूर चूर हो गए और मनुष्य यथार्थ के धरातल पर खड़ा हो गया। और इससे कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ने लगा। यथार्थवादी आंदोलन की इस पृष्ठभूमि में जॉन लॉक
जॉन लॉक नाम के एक दार्शनिक हुए विद्वान हुए द्वारा प्रणीत लाया हुआ अनुभववादी विचारधारा का भी पर्याप्त प्रभाव रहा। तो अभी हमने तीन विचारधारा देखा, हमने देखा डार्विन का विकासवाद और फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद और कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का इतिहास या मार्क्सवाद। इसके बाद एक और दार्शनिक हुए जॉन लॉक और इन्होंने एक नई विचारधारा लेकर आया और इनका क्या नाम था, इस विचारधारा का नाम था अनुभववादी इम्पेरिसिस्ट विचारधारा। अनुभववादी मतलब जो हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, जो हम महसूस करते हैं, जिन चीजों को हम देखते हैं कि वो कैसे हैं। अनुभववादी दर्शन अनुभूत तथ्यों पर विशेष बल देता है। अनुभववादी दर्शन मतलब क्या बताता है हमको, जिन चीजों की हमें अनुभूति होती है, जो हम समाज में रहकर महसूस करते हैं, अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, ऐसे तथ्यों पर विशेष बल देता है। यह एक आत्मनिष्ठ यथार्थवादी दर्शन है। अनुभववादी दर्शन भी क्या है, यथार्थवादी दर्शन है। आत्मनिष्ठ मतलब मनुष्य का स्वयं का भोगा हुआ यथार्थ। इस दर्शन से प्रभावित साहित्यकारों में देश काल के गोचर रूपों तथा प्रतीतानुभूत रूपों के चित्रण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। इस सेंटेंस का कहना यह है कि जो ये जो दर्शन है अनुभववादी दर्शन, इसका क्या कहना है, मनुष्य अपनी दैनिक जिंदगी में जिन चीजों को महसूस करता है, जिन्हें वह भोगता है, चाहे वह दुख है या सुख है, जिसे वह अनुभव करता है, इसकी चित्रण की प्रवृत्ति का विकास हुआ। तो इसे कहा जाता है यथार्थवाद। अब यथार्थ और यथार्थवाद में क्या संबंध है और क्या अंतर है, यह हम देखते हैं। यथार्थ और यथार्थवाद एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का चोली दामन का संबंध है। जीवन की सच्ची अनुभूति यथार्थ है। जिंदगी में हम जो भी महसूस करते हैं, हमारे जीवन में सुख के क्षण भी आते हैं, दुख के क्षण भी आते हैं, उदासी, कुंठा, है ना, क्रोध, तो यह सच्ची अनुभूति यथार्थ है। पर इसका कलात्मक अभिव्यक्तिकरण यथार्थवाद है। मतलब जिन चीजों को हम महसूस करते हैं या लेखक या कवि लोग महसूस करते हैं, वह क्या है, यथार्थ है। और जब यथार्थ की साहित्यिक अभिव्यक्ति हो जाती है, जब उसी यथार्थ को कोई कवि या लेखक अपने साहित्य में अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, तो उसे कहा जाता है यथार्थवाद। यथार्थवाद का प्रयोग साहित्य में आदर्शवाद एवं स्वच्छंदतावाद के विपरीत अर्थों में किया जाता है। यथार्थवाद इसका उल्टा है, यथार्थवाद आदर्शवाद का उल्टा है। और जो स्वच्छंदतावाद है, स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहा जाता है, या इसका विपरीत अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। जो साहित्यकार मानव जीवन जीवन एवं समाज का संपूर्ण तथा वास्तविक चित्र उपस्थित करता है और अपने साहित्य का विषय काल्पनिक जगत से न चुनकर वास्तविक जगत से चुनता है, वह यथार्थवादी कहलाता है। वस्तुतः यथार्थवाद यथार्थ की आधार भूमि पर खड़ा हुआ जीवन का जीवंत चित्र है। तो यथार्थवादी कौन साहित्यकार यथार्थवादी कहलाएगा, जो अपनी कला या फिर अपने साहित्य, अपने कविता या अपनी कहानी या लेख या उपन्यास में जो पात्रों का चयन करता है, जिस विषय वस्तु का चयन करता है, वह काल्पनिक दुनिया से नहीं बल्कि इस वास्तविक और गोचर जगत से करता है, जिन्हें वह अपने आसपास देखता है। तो उसके द्वारा लिए गए चरित्र अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, या एक ही व्यक्ति में बुराइयां भी हो सकती हैं, अच्छाइयां भी हो सकती है, उन दोनों का ही वह जीवन चित्रण करता है। तो यह उसका जीवन चित्र है, इसका आप ध्यान में रखिए। कजामिया नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं कजामिया। कजामिया यथार्थवाद को एक पद्धति नहीं, विचारधारा मानते हैं। कजामिया नाम के जो विद्वान है उनका कहना क्या है कि यथार्थवाद कोई पद्धति नहीं है बल्कि एक विचारधारा है। रिलीजन इन आर्ट इज नॉट अ मेथड बट अ टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है। जॉर्ज लुकास नाम के दूसरे विद्वान है, इनका कहना क्या है, अलग अलग विद्वानों ने यथार्थवाद को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। यथार्थवादी साहित्य में समाज का यथावत चित्रण मानते हैं। लुकास का कहना यह है कि यथार्थवादी समाज में समाज का यथावत चित्रण मिलता है, जीवन चित्रण मिलता है। अंग्रेजी में इन्होंने लिखा है, इन रिलीजन दैट द ऑथर मस्ट ऑनेस्टली रिकॉर्ड विदाउट फियर और फेवर एवरीथिंग ही सीज अराउंड इन। इट मीन्स इन रिलीजन द ऑथर वॉट एवर ही सीज अराउंड हिम ही डिपिक्ट इज इन हिज करेक्टर एंड इन हिज लिटरेचर। मतलब यथार्थवादी क्या, यथार्थवादी साहित्यकार क्या कहता है, बिना किसी डर और भय के अपने आसपास जैसे वातावरण देखता है, जैसे चरित्र देखता है, उनका यथा तथ
यथावत रूप में उनका चित्रण करता है, वह किसी से डरता नहीं है। जैसे कबीर थे ना, कबीर कबीर यथार्थवादी थे, वो कभी किसी से डरते नहीं थे। सूर्यकांत त्रिपाठी ने रहा, ये भी यथार्थवादी प्रवृत्ति देखी जा सकती है, जैसे वह तोड़ती पत्थर इस टाइप के जो हैं। मुंशी प्रेमचंद ने भी, जैसे सदगति और कफन ऐसी रचना है, उनके आदर्शवादी यथार्थवाद कहा जाता है उन्हें। फ्लॉबेयर, फ्लॉबेयर वस्तुगत दृष्टिकोण और जीवन के सामान्य पक्षों के महत्वपूर्ण उद्घाटन को यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता मानते हैं। वस्तुगत दृष्टिकोण मतलब बिना किसी पक्षपात के चीजों को देखना कि वे कैसी हैं, और जीवन के जो सामान्य पक्ष हैं, जो सुख दुख है, उदासी है, कुंठा है, इन सब के उद्घाटन को यथार्थवाद की प्रमुख विशेषता मानते हैं। अब भारतीय विद्वानों को, तो हमने विदेशी विद्वानों को देख लिया, अब हम देखते हैं भारतीय विद्वान क्या समझते हैं यथार्थवाद से। भारतीय विद्वानों में जयशंकर प्रसाद यथार्थवाद को जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख मानते हैं। जयशंकर प्रसाद, उनका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था, इसीलिए वे जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख मानते हैं। यथार्थवाद क्या है? जीवन के दुख और अभावों का उल्लेख मानते हैं। आचार्य नंदलाल वाजपेयी क्या कहते हैं? यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से जोड़ते हैं। आचार्य नंदलाल वाजपेयी कहते हैं, प्रत्यक्ष जो वस्तु जगत है, जो गोचर जगत है, जो हमारे आसपास की दुनिया है ना, उसका संबंध यथार्थवाद से है। शिवदान सिंह चौहान, ये भी एक मार्क्सवादी विचारक हुए हैं, विद्वान हुए, इनका कहना है इसे निर्विकल्प, निर्विकल्प मतलब निश्चल, स्थिर, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, रूप से जीवन की वास्तविकता का प्रतिबिंब स्वीकार करते हैं। सिद्धांत सिंह चौहान का कहना है कि वास्तविक जीवन का यह प्रतिबिंब है, बिना किसी उसमें फेर बदल किए जैसा वो हमको दिखाई देते हैं। अब प्रेमचंद क्या कहते हैं? प्रेमचंद यथार्थवाद को चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं तथा विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। मतलब कुछ के दृष्टिकोण एकांगी हैं, कुछ लोग उसे पूरा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं यथार्थवाद को, और कुछ लोग देखते हैं कि उसमें जो जैसा दिखाई देता है वैसा। मुंशी प्रेमचंद नकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं यहां पर, चरित्रगत दुर्बलताओं, क्रूरताओं और विषमताओं का नग्न चित्र मानते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद का दृष्टिकोण यहां पर आप एकांगी कह सकते हैं कि उन्होंने जीवन के सिर्फ नकारात्मक पहलू के वर्णन को यथार्थवाद का नाम दिया है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां क्या है ना। ऊपर हम जिन बातों का उल्लेख किए हैं, उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यथार्थवादी साहित्य किसे कहा जाएगा, या यथार्थवादी साहित्य की क्या प्रवृत्तियां होंगी, यथार्थवादी साहित्य में क्या क्या विशेषताएं देखी जाती हैं। तो किसी भी रचना को आदर्शवादी श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की कोटि में, इसका निर्णय करने के लिए उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है। एक यथार्थवादी रचना में निम्नलिखित प्रवृत्तियां सामान्यतः होती हैं। तो देखिए, जो यथार्थवाद जो है ना, वह आदर्शवाद का पूरा विपरीत है, आदर्शवाद का उल्टा है यथार्थवाद। तो यथार्थवादी साहित्य में क्या क्या विशेषताएं रहेंगी देखते हैं। यथार्थवादी कलाकार जीवन क्या है का उत्तर देता है, वह क्या होना चाहिए की समस्या में नहीं पड़ता। मतलब यथार्थवादी कलाकार उस बात को अपनी रचनाओं में, अपने कविता में, अपने लेख में, अपनी जो चित्रकारी में उसको प्रतिबिंबित करता है कि जीवन जैसा है, जीवन क्या है, वह क्या होना चाहिए कि समस्या में नहीं पड़ता। लेकिन आदर्शवादी क्या बताता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। यथार्थवादी साहित्यकार यह बताता है कि नहीं, जीवन जैसा है वैसा उसका चित्रण करना है यथार्थवादी कलाकार। यथार्थवादी रचना में अतीत और भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का चित्रण अधिक होता है। जो रचना यथार्थवादी रचना होगी उसमें क्या है, जीवन के वर्तमान का चित्रण अधिक होगा। भूतकाल कैसा था और भविष्य कैसा होगा, इसका उसे कोई सरोकार नहीं होता। वर्तमान में जो चीज जैसी दिखाई देती है, जैसे लोग दिखाई देते हैं, जैसा समाज है, उसका वैसा ही चित्रण होता है यथार्थवादी रचना में। यथार्थवादी रचनाओं में जीवन की असंगतियों, कटुताओं एवं विषमताओं का चित्रण होता है। ये सारी नकारात्मक चीजों का इसमें चित्रण होता है बता रहे हैं। यथार्थवादी रचना में जीवन की जो असंगति है, जो विडंबना है, जो त्रासदी है, कटुता है, जो कड़वाहट है, और विषमताओं का चित्रण होता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, ये जीवन की विषमताएं हैं। चौथा, यथार्थवादी रचना में परिस्थितियों का मानव पर प्रभाव बताया जाता है, जबकि आदर्शवादी रचना में मानव परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब यदि कोई रचना यथार्थवादी रचना है तो उसमें जो पात्रों का जो चरित्र चित्रण होगा वह इस प्रकार होगा कि वह व्यक्ति या वह जो नायक या नायिका है परिस्थिति से पूरी तरह प्रभावित होता है ना। जैसी परिस्थितियां हैं उससे वह बहुत ही
गंभीरता से प्रभावित होता है। लेकिन आदर्शवादी रचना में क्या होता है, जो नायक या नायिका होती है वह क्या है, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है। तो यह इसमें अंतर है। पांचवा, यथार्थवादी केवल समस्या प्रस्तुत करता है, उसका समाधान आदर्शवादी करता है। तो जैसे यथार्थवादी जो साहित्यकार है वह केवल समस्या बताता है कि भाई इस प्रकार की समस्या है, लेकिन जो आदर्शवादी जो रचनाकार है वो क्या है, समस्या तो बताएगा उसका समाधान भी बताएगा। यथार्थवादी में वैयक्तिकता अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी में सामाजिकता। जो यथार्थवादी साहित्य होता है उसमें वास्तव में जो लेखक या कवि के निजी अनुभव ज्यादा होते हैं, सामाजिक अनुभव कम होते हैं। जबकि आदर्शवादी जो साहित्यकार होता है या फिर कलाकार होता है उसकी रचनाओं में सामाजिकता अधिक होती है, समाज के द्वारा को प्रतिबिंबित अधिक करता है, वैयक्तिकता कम होती है, व्यक्तिगत रुचि। यथार्थवादी शैली में स्वाभाविकता, तीव्रता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी शैली में काल्पनिकता, शिथिलता और कोमलता का वेग होता है। तो यह यथार्थवादी शैली में क्या होता है, स्वाभाविकता होती है, तीव्रता होती है, भावों की तीव्रता, व्यंग्यात्मकता, व्यंग होता है। लेकिन आदर्शवादी में क्या होता है, काल्पनिक जगत में रहते हैं, वहां पे जो जो नायक या नायिका है वो काल्पनिकता ज्यादा होती है, उनमें भावुकता ज्यादा होती है, शिथिलता होती है, शिथिलता मतलब भावों की तीव्रता नहीं होती, और कोमलता का वेग होता है, बहुत कोमल होते हैं उनके भाव। यथार्थवादी साहित्य में रौद्र, विभत्स एवं श्रृंगार की अभिव्यक्ति अधिक होती है, जो विभिन्न प्रकार के रस हैं, जबकि आदर्शवादी में करुण, वीर और शांत रस की अभिव्यक्ति अधिक होती है। तो यह ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं उपसंहार। संक्षेप में हम क्या समझते हैं, इसको यहाँ पर लिखना होता है कि ऊपर से नीचे तक हमने जो भी अभी तक पढ़े हैं उसका संक्षेप में बताना उपसंहार कहलाता है। यथार्थवादी कलाकार का प्रयत्न हमेशा ही उन घटनाओं और पात्रों का प्रस्तुतिकरण होता है जो वास्तविक जगत की प्रतिछाया हो। मतलब यथार्थवादी कलाकार क्या कहता है, उन पात्रों को प्रस्तुत करता है जिसे वह अपने आसपास देखता है, तो वास्तविक जीवन को, वास्तविक जगत को वह अपनी रचनाओं में प्रतिबिंबित करता है। वह असंभव, काल्पनिक तथा अद्भुत को प्रकृति विरुद्ध मानकर उनके चित्रण को अनुचित समझकर अपने साहित्य से बहिष्कृत कर देता है। लेकिन जो यथार्थवादी साहित्यकार है वह ऐसी बातों का उल्लेख नहीं करता जो असंभव है, जो काल्पनिक है, जो अद्भुत है, जो प्रकृति के विरुद्ध है, इनको वह अनुचित समझता है और अपने साहित्य में स्थान नहीं देता। वह एक प्रकार से मानव समाज और जीवन का अनासक्त और निष्पक्ष फोटोग्राफर होता है। जैसे जब हम फोटो खींचते हैं तो जैसा हमको जो चीज दिखाई देती है उसका फोटो खींच लेते हैं, विदाउट एनी कुछ एडिट किए, जो जैसा है वैसे हम फोटो उसका खींच लिए। तो वैसे जो यथार्थवादी साहित्यकार होता है वह मानव समाज और जीवन का यथातथ्य रूप में चित्रण करता है, निष्पक्ष फोटोग्राफर होता है। वह कृति को व्यक्तिगत विचारों के प्रचार प्रसार का साधन नहीं मानता, वरन जो कुछ उसके आसपास घटित हो रहा है उसके प्रकाशन कुछ का माध्यम मानता है, उसके प्रकाशन का माध्यम मानता है। मतलब वह अपनी व्यक्तिगत विचारों को उसमें स्पष्ट नहीं देता, स्थान नहीं देता, बल्कि उसके आसपास जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही चित्रित कर देता है, इसका माध्यम मानता है। परंतु जीवन के यथावत चित्रण से तात्पर्य मात्र यौन वर्जनाओं, कुत्सित जीवन की घटनाओं, छल छद्मों से भरी कहानियों, भद्दी एवं अश्लील बातों के चित्रण से नहीं है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे साहित्य को यथार्थवादी साहित्य नहीं कहा जाएगा जिसमें सिर्फ यौन वर्जनाएं हैं। मतलब सामाजिक रूप से जो हमारी वर्जनाएं हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुत्सित जीवन की घटनाओं, जो जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं, घृणित घटनाएं हैं, है ना, नीच टाइप की जो घटनाएं हैं, नीच टाइप के जो लोग हैं, जो लोग छल छद्म कर दे रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसी भद्दी एवं अश्लील कहानियों को ही हम यथार्थवादी साहित्य नहीं कहेंगे। यथार्थवाद को मात्र असामाजिक यौन संबंधों, ऐसे यौन संबंध जिनको हमारे समाज मान्यता नहीं देता, सिर्फ पति पत्नी के संबंधों को हमारा समाज मान्यता देता है, तो यथार्थवाद असामाजिक यौन संबंधों, पतित जीवन की घृणित दुर्बलताओं का ही नग्न चित्र समझना। पतित जीवन मतलब घृणित जीवन है, जैसे जो अपराध हैं, है ना, शराब पीना और वैश्यालयों में जाना, ऐसा जो पतित जीवन है इसकी घृणित दुर्बलताओं का नग्न चित्र समझना, उसे न समझना अथवा संकीर्ण अर्थ में समझना है, है ना। तो यथार्थवाद को खाली ऐसा ना समझें कि असामाजिक यौन संबंधों का वर्णन हो, पतित जीवन का ही वर्णन हो, घृणित जीवन का वर्णन हो और यह उसका नग्न चित्र है, यह यथार्थवाद नहीं है, यह यथार्थवाद का संकीर्ण रूप है। यह सभी कुछ प्रकृतिवादी साहित्य, नेचुरलिज्म साहित्य की विशेषताएं हैं, यथार्थवादी साहित्य की नहीं। जो प्रकृतिवादी साहित्य होता है नेचुरलिज्म, उसमें इन सब चीजों का वर्णन होता है, असामाजिक यौन संबंध, पतित जीवन,
घृणित दुर्बलताएं, इन सब का वर्णन होता है प्रकृतिवाद में। अतः प्रकृतवादी साहित्यकार मनुष्य जीवन के हीन एवं पाश्विक पक्ष को ही अपने साहित्य के श्रेष्ठ कथा वस्तु के रूप में स्वीकार करता है, जबकि यथार्थवादी साहित्यकार मनुष्य के आदर्श एवं दुर्बल दोनों रूपों का यथावत चित्रण करता है। प्रकृतिवादी साहित्य में सिर्फ मानव जीवन के घृणित स्वरूप का चित्रण होता है ना, जो भी दोषपूर्ण चीजों का चित्रण होता है, जबकि यथार्थवादी साहित्यकार में मनुष्य की अच्छाई एवं बुराई दोनों का ही चित्रण होता है। एक का उद्देश्य मनुष्य को समझदार पशु मानकर उसका दोष दर्शानी है, जबकि दूसरे का दोष और गुण दोनों को ही सही रूप में प्रस्तुत करना है। प्रकृतिवादी साहित्य में केवल मनुष्य के दोषों का वर्णन किया जाता है, जबकि यथार्थवादी साहित्य में मनुष्य के गुण और दोष दोनों का ही वर्णन किया जाता है। यथार्थवादी साहित्यकारों ने भाषा और शिल्प के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए हैं, मतलब इनके भाषा और शैली का शिल्प भी अलग है। सहज सरल बोधगम्य भाषा और सहज शिल्प विधान यथार्थवादी साहित्य की खास विशेषताएं हैं। मतलब यथार्थवादी साहित्य में जो भाषा प्रयोग की जाती है वह सहज और सरल होती है, आसानी से समझ में आ जाती है, और इनका शिल्प विधान भी बहुत ही बेहतरीन होता है। यही कारण है कि हिंदी की प्रगतिवादी परंपरा पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी साहित्य की जो प्रगतिवादी परंपरा है, जो ऐसा माना जाता है कि मार्क्सवाद से प्रभावित है, इस पर यथार्थवाद का सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज यथार्थवाद को समझने का प्रयास किया। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यह मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसका PDF आपको वहां से मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।